नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 62.36% मतदान हुआ। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। आज कुछ ही देर के अंदर दूसरे चरण का शोर थम जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 28 पंचायत समिति में वोट डाले जाएंगे। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही में वोटिंग होगी। नेताओं ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जनता के बीच में क्या मुद्दे हावी रहे, पार्टियों ने किन मुद्दों पर वोट मांगे, हम आपको दिखाएंगे दूसरे चरण की जमीनी हकीकत, क्योंकि दूसरे चरण की चौसर जम चुकी है। इसके अलावा सांबर लेक, दूदू, मौजमाबाद, गोविंदगढ़ और जोबनेर, यहां वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के अंदर वोटिंग होनी है। जोधपुर में शेरगढ़, बालेसर, सेखावाला, चामू, लोहावट, बापिनी, आऊ और देचू के अंदर वोटिंग होनी है। वहीं अगर बात की जाए सवाईमाधोपुर की, तो सवाईमाधोपुर में बोली और मलारना डूंगर के अंदर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। आज 5:30 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। सिरोही की सिरोही और पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंदर वोटिंग होगी। दौसा के अंदर जो हम बता रहे हैं, दौसा में राजावतान, लवान, रामगढ़ पचवाड़ा और लालसोट के अंदर वोटिंग होगी, जबकि जयपुर में फागिस, माधुराजपुरा, किशनगढ़ ड्रीनवाल, यहां वोटिंग होगी। तो सोचिए 21वीं सदी में भी तुगलकी फरमान होते हैं और ये गांव बस्ती में होते हैं, लेकिन गांव बस्ती में चुनाव भी हो रहे हैं। हालांकि बाड़मेर में चुनाव नहीं है, लेकिन 6 जिलों के अंदर चुनाव है, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं। दूसरे चरण की चौसर जम चुकी है। दौसा का रुख करते मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, दौसा के अंदर पहले चरण में भी चुनाव, दूसरे चरण में भी चुनाव, दूसरे चरण में नेता पहले चरण से क्या कुछ सबक लेते हुए नजर आए हैं, वादे कितने बदल दिए गए हैं और जनता से क्या क्या उम्मीदें, नेता तो वोट की कर रहे हैं लेकिन नेताओं से जनता क्या उम्मीदें कर रही है। लगता है लक्ष्मीकांत से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है।
सिरोही से हमारे सहयोगी अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक जरा बताइए, सिरोही यानी कि सिर को रोह देने वाली, जहां से इस तरीके के तलवारों के जरिए दुश्मनों पर हमला किया जाता था, अब तलवारें तो नहीं खींचती हैं, जुबानी वार पलटवार होते हैं पार्टियों के बीच में, किस पार्टी ने किस पर किस तरीके से हमला किया और जनता किन मुद्दों पर वोट डालने की सोच रही है? बिल्कुल विजय ने सही कहा आपने, जनता जो बिल्कुल है कि प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब द्वितीय चरण के जो चुनाव होने हैं और द्वितीय चरण के जो चुनाव हैं वो 29 तारीख को यहाँ होंगे और उसी दरमियान जो एक से जो कह सकते हैं कि जो भाजपा है या कांग्रेस है दोनों ही कांटे की टक्कर है यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरे चरण में जिस प्रकार से जो चुनाव प्रचार है वो अभी 5 बजे तक था और 5 बजे के बाद थम चुका है और चुनाव प्रचार थमने के साथ ही अब जो प्रत्याशी हैं वो घर घर बिल्कुल जाएंगे और हर प्रकार से जो संभव है वो करेंगे, जो मतदाता है उनको रिझाने का जो कार्य करेंगे और चुनावी जो 64 जमी हुई थी उस चुनावी 64 में विधायक संयम लोढ़ा जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है या जो भी उम्मीदवार थे उनके साथ गए थे और साथ ही जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है भाजपा के जो यहाँ सांसद देवजी पटेल से लेकर जो विधायक है और सभी यहाँ पर पहुंचे थे और अभी कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि दोनों जो जो खेमे हैं उसमें काटे की टक्कर है। वही बिल्कुल अशोक, लेकिन मुझे बताइए सिरोही और पिंडवाड़ा पंचायत समितियों के अंदर चुनाव हो रहा है, यहां भी कहीं ऐसी बातें तो नहीं हो रही कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर हो, यहां पर ऐसी बातें तो नहीं हो रही कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का आना जरूरी है? नेता जमीनी बातें कर रहे हैं कि पिंडवाड़ा को क्या चाहिए, सिरोही को क्या चाहिए, कौन सी कमी रह गई, उनको कब तक पूरा किया जाएगा, या सारी बातें हवाई हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो नेताएं हैं वही घिसी पिटी जो बातें होती हैं वही यहां पर दोहरा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो गांव के जो मुद्दे हैं उनको सही करेंगे और हर जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो वो उसी वोट बैंक पर जा रहे हैं कि और वो तैयारियां, जैसे कुछ गाँव में देखने को मिला था कि कुछ गाँव में जो बिजली की जो बढ़ती दर है उसको लेकर काफी चिंता का विषय था, तो कहीं ना कहीं जाके नेताओं उनको समझाया उसके बाद में ये जो माने हैं। वही जो धरातल की जो बात करें तो धरातल पर कहीं ना कहीं जो सरकार चुनना है तो भाजपा केंद्र की जो नरेंद्र मोदी है सरकार है उसको लेकर ये एक प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही खेमे हैं वो प्रयासरत हैं। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, दौसा का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत, ये वो बेल्ट है जिसमें जितना नीचे का चुनाव होता है रस्साकसी उतनी ज्यादा होती है, नेताओं के बीच में जुबानी वार उतने ज्यादा होते हैं और चुनाव उतना जटिल होता है क्योंकि चंद वोटों से परिणाम इधर का उधर हो जाता है। दौसा के अंदर दूसरे चरण में आपको क्या क्या दिखाई दिया? देखिए बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि दौसा में जो दूसरे चरण का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें सबसे जो अहम बात यह है कि जो प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा है उसकी पूरी जो कॉन्स्टिटेंसी है वो कहीं ना कहीं कवर हो रही है, जिसमें लालसोट पंचायत समिति और नांगल राजावतान रामगढ़ पचवारा और लवाण और जो दौसा विधायक मोरार लाल मीणा है उसकी जो कॉन्स्टिटेंसी है वो कवर हो रही है। और दूसरे चरण की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि दो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उनके क्षेत्र इसमें आते हैं और कहीं ना कहीं जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर के जो दोनों जो नेता है प्रसादी लाल मीणा और मोरार लाल मीणा वो लगातार खुद अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि वो केंद्र के विजन को लेकर के चुनाव मैदान में है, भाजपा के जो नेता है वो यहां पर काफी प्रचार में प्रयासरत है, खुद जो सांसद जसकौर मीणा है वो लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रही है और कहीं ना जी। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, वापस आपका रुख हम करेंगे लेकिन दो जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ दौसा है और दूसरी तरफ सिरोही है। सिरोही में पिंडवाड़ा और सिरोही पंचायत समितियों के अंदर चुनाव है, जबकि बात अगर दौसा की जाए तो राजावतान लवान रामगढ़ पचवाड़ा और लालसोट के अंदर चुनाव है। सिरोही से मेरे सहयोगी अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, एक और सवाल, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि संयम लोढ़ा कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक हैं,
तो इसका मतलब मैं ये मानकर चलूं कि जो टिकट वहां बटे हैं वो सीएम लोढ़ा के कहने पर बटे हैं, उनके जो समर्थक हैं उनको दिए गए हैं, क्या इससे कांग्रेस के अंदर नाराजगी नहीं वहां पर? बिल्कुल सही कहा आपने विजेंद्र की संयम लोढ़ा है वो निर्दलीय खेमे से आते हैं और कहीं ना कहीं जो टिकट बटने में संयम लोढ़ा का भी उनमें चला है। तो मैं कहना चाहूंगा कि साफ तौर से जो चुनाव होने थे प्रथम चरण के, उससे पहले कुछ कांग्रेसी जो नेता थे उन पदाधिकारी थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण हुआ है उसमें साफ तौर से धांधली हुई है और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन सही प्रकार से उनको नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी कांग्रेस सरकार को ये जो कांग्रेस की जो उसमें चुनाव है उसमें देखने को मिला। जिस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि जो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर साफ तौर से कांग्रेस जीतने वाली थी वहां भी उनको टिकट न देके और दूसरों को टिकट दी जाए तो कहीं ना कहीं देख कह सकते हैं कि वहां पर थोड़ा सा घाटा हो सकता है। अच्छा ये भी बता दीजिए बीजेपी में किसकी चली है, पूर्व विधायक को पूछा गया नहीं पूछा गया टिकट बंटवारे में? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके भाई को भी एक टिकट वितरण किया है तो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक जो कोटाराम देवासी हैं उनको दरकिनार किया गया है यहाँ पर और जो यहाँ की जो जो टिकट वितरण में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिला है। पूर्व जो प्रमुख थे पायल परशुराम पीरगुड़िया उसका भी टिकट काट दिया गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी भाजपा में थोड़ा सा रोष देखने को मिला है। अशोक आप हमारे साथ बने रहिए, दोसागर उकरते मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा चुनाव है ये आपकी बेल्ट के अंदर नेताओं के कद को बढ़ाने और घटाने का काम करेगा? आप ये मानकर चल रहे हैं कि क्षेत्र में परिणाम का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके लिए नेता क्या सोच रहे हैं दोनों ही पार्टियों के अंदर? देखिए बिल्कुल इस चुनाव को नेताओं का मूल्यांकन इसलिए भी कहा जा सकता है कि जब से जो प्रदेश सरकार के गठन की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें तो जो नेताओं की जो उपलब्धि है वो कहीं ना कहीं किस तरह का जनता के प्रति उत्तरदायित्व कैसा रहा और जनता में अब नेताओं का जो कद और करेज जो है वो कितना है, ये चुनाव कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के काफी निर्णायक होते हैं। चाहे मंत्री परसादी लाल मीणा की बात करें, चाहे दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा की बात करें या फिर सांसद जसकोर मीणा की बात करें कि वो अपने क्षेत्र में अभी कितनी पकड़ बनाए हुए हैं या इन चुनावों में किस तरह के परिणाम आते हैं, ये कहीं ना कहीं नेताओं के जो कार्य है उनको लेकर के और उनके जो भविष्य है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक निर्णायक चुनाव होता है। क्योंकि इस पंचायत चुनाव की जड़ें गांव से निकलती हैं, गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं की जो मूल्यांकन की एक बहुत बड़ी कड़ी उनको कहा जा सकता है। तो ये निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत अहम होते हैं, गांव को विकास का एक नया एक अध्याय इन चुनावों से शुरू होता है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये नेताओं का मूल्यांकन के रूप में इनको आंका जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मीकांत जिन इलाकों की बात करें राजावतान लवान रामगढ़ पचवाड़ा और लालसोट इन सबके अंदर क्या किरोड़ी लाल मीणा भी एक्टिव नजर आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, उन्होंने भी सभाएं की हैं? देखिए बिल्कुल जो किरोड़ी लाल मीणा है वो भी एक्टिव है लेकिन चुनाव प्रचार में वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आए क्योंकि उनके कई एजेंडे होते हैं। लेकिन चूंकि जो पचवारा जो बेल्ट है जिन चार पंचायत समिति की मैं बात कर रहा हूँ उनको मोस्टली दौसा में पचवारा के नाम से जाना जाता है और पूरा पचवारा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं दौसा जिले की राजनीति में अहम भूमिका अदा करता है। किस नेता को लेकर के जनता का झुकाव रहता है ये पचवारा क्षेत्र तय करता है। खासतौर से जहाँ एसटी वोटर्स की बात करें तो ये बाहुल्य एसटी वोटर्स का बाहुल्य है, पूरा जो चारों पंचायत समिति है उनमें कहीं ना कहीं एसटी वोटर्स जो है वो निर्णायक होते हैं और ज्यादातर जो पंचायत स्तर पर जो राजनीति में जो दखलंदाजी होती है वो एसटी वोटर्स की इस इलाके में बहुत ज्यादा दखलंदाजी होती है। नांगल राजावतान की बात करें तो मीणा हाईकोर्ट के नाम से यहाँ ये फेमस जगह है। तो निश्चित रूप से सभी जो नेता है वो अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक बात सांसद किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो वो सक्रिय
तौर से इन चुनावों में भूमिका नहीं अदा कर रहे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी इस पूरे चुनाव में कोई भूमिका नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के माध्यम से, कहीं ना कहीं अपने संदेशों के माध्यम से इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जी लक्ष्मीकांत, क्योंकि चुनाव पंचायत समिति के हैं, जिला परिषद के हैं, मांगे बड़ी व्यावहारिक और मूलभूत होती हैं। ऐसे में किन इलाकों के अंदर कौन सी मांगे की जा रही है, या वो वादे जो इन इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और दोनों ही पार्टियां कर रही है, जिनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत अहम सवाल है कि मुद्दे क्या है। तो जहां तक बेसिक मुद्दों की बात करें तो इस चुनाव में बेसिक मुद्दे लगभग गायब नजर आ रहे हैं, चाहे वो पानी की बात करें या बिजली की बात करें। जहां तक प्रदेश सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो विकास की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा सिर्फ केंद्र के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है जी। जो पंचायत को केंद्र से जोड़ना चाहती है, जबकि प्रदेश के जो नेता है या जो विधायक और मंत्री है वो राज्य सरकार के विकास को मुद्दा बना रहे हैं जी। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भरतपुर से हमारे सहयोगी रवि कटारा जुड़ गए हैं। रवि, भरतपुर एक ऐसा जिला जिसमें कई दिग्गज आते हैं और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर भी लगी नजर आती है, क्योंकि कामा, पहाड़ी, नगर और डीग ये बेहद महत्वपूर्ण पंचायत समितियां हैं। कौन कौन से नेता की साख दांव पर लगी है और किसने अपनी साख बचाने के लिए किस तरीके से दम लगा रखा है? जो दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनका जो विधानसभा क्षेत्र आता है डी कुमेर, उसमें चुनाव होने हैं। और जो कामा की जो विधायक हैं जैदा खान और जो नगर से विधायक हैं बाजवली, इनकी विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे फेज में चुनाव होना है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो जैदा खान है उनकी बेटी को निर्विरोध चुन लिया गया है वार्ड नंबर 13 से, लेकिन जो डी में जो चुनाव होगा विश्वेंद्र सिंह की जो पंचायत है विधानसभा में आती है वो प्रतिष्ठा उनकी दाव पर है। और दूसरी नगर की बात की जाए जो बसपा से कांग्रेस में जो आए हैं बाजीवली, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है जी। इस दौरान भजनलाल जाटव, सुभाष गर्ग, मनोज राजौरिया, इनकी भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भजनलाल जाटव की अगर बात की जाए तो जो पहले फेज में चुनाव हुआ था, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र जो इलाका है वो बैर इलाका आता है, बैर में भुसावर और बैर इलाके में मतदान हो चुका है पहले चरण में। हालांकि भजनलाल जाटव की पुत्र वधु और बेटी वहां चुनाव लड़ रही है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है वो मेवात का चुनाव है, क्योंकि जैदा खान का जो बेटा है और बेटी वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बेटी निर्विरोध चुन ली गई है, तो वहीं विश्वेंद्र सिंह की जो पंचायत समिति है डी, उसमें भी चुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा जिले की नजर है इस दूसरे फेज के उस पर है जी। अच्छा रवि, सांसद साहब की भूमिका आप क्या देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कई इलाके, कई जिले ऐसे हैं जहां चुनाव हो रहे हैं और सांसद काफी सक्रिय नजर आए, फिर बात चाहे सिरोही की हो, जोधपुर की हो, जयपुर तक के अंदर नजर आए, भरतपुर में नजर आ रहे हैं। सांसद की अगर बात की जाए तो रंजीता कोहली लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। हालांकि जो मेवात का जो इलाका माना जाता है उसमें कुछ दिनों पहले जो राजसमंद की सांसद थी दिया कुमारी, उन्होंने भी दौरा किया, उन्होंने प्रचार प्रसार किया और जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में वोट मांगे। हालांकि पूरे मेवात इलाके में उन्होंने दौरा किया, काफी सक्रिय वो दिखाई दी दिया कुमारी। उनके साथ जो भरतपुर की सांसद है रंजीता कोहली, वो भी सक्रिय दिखाई दी। लगातार सांसद दौरा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस है वो जिनका जो मेन फोकस है वो पंचायत समितियों पर नजर आ रहा है। ठीक है रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अशोक हमारे साथ सिरोही से जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये समझ में आए कि दूसरे चरण के जो 64 जमी हैं उसमें नेता आपके बीच जाकर क्या वादे कर रहे हैं और आपके लिए वो वादे कौन से जरूरी है जिनका पूरा होना बेहद जरूरी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।